एक इंसान को एक बैड न्यूज दो, उसको थोड़ा सा बुरा फील होगा, फिर एक और बैड न्यूज दो, थोड़ा सा और फील होगा, फिर दो चार दिन तक उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा, तो उसको जो अंदर जो उसकी फीलिंग है ना, वो थोड़ी सी नेगेटिव नेगेटिव होती जाएगी। कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद हो सकता है वो डिप्रेशन में भी आ जाए। तो इस तरह हम दुखी होते हैं, हमारा दुखी होने का पैटर्न है कि स्टेप बाय स्टेप, पहले एक न्यूज़, फिर दूसरा डोज, फिर तीसरा डोज। वैसे अगर खुश होना हो ना, तो आपको लग रहा है कि यार अभी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो खुद को एक छोटा सा क्या कह सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी का एक फीड दो छोटा सा, जैसे कि खुद को एक पॉजिटिव सॉन्ग सुना दो। तुम्हें एकदम से अच्छा फील नहीं होगा, पर थोड़ा सा स्टार्टअप ऐसा करना पड़ेगा कि एक छोटा सा सॉन्ग सुन लो, फिर दो तीन घंटे बाद थोड़ा सा डांस कर लो, फिर 15 मिनट बाद कुछ अच्छा, कुछ किसी अच्छे फ्रेंड से, किसी पॉजिटिव इंसान से बात कर लो। तो जैसे आप धीरे धीरे एक पैटर्न में दुखी हुए थे ना, वैसे ही धीरे 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 आप उसको दुखियारे वाले पैटर्न से बाहर आ जाओगे, और हो सकता है कि हफ्ते दो हफ्ते बाद आपको कोई दुखी कर भी ना पाए। तो इस तरह हमारा बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है। ये इसे हम कह सकते हैं कि किसी का दुखी होना या खुश होना एक हैबिट होता है, तो हम इस हैबिट को बना भी सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। तो दैट्स द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी।